अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम अपनी आईफोन को कैसे लोकेट कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसको उसकी लोकेशन मालूम कर सकते हैं। तो ये हम फाइंड माय आईफोन की मदद से करेंगे, पर उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे आईफोन में जो हमसे गिर गया हो कि या किसी ने चोरी किया हुआ हो, उस पर फाइंड माय आईफोन ऑन होना चाहिए। तो अगर किसी बंदे का फाइंड माई आईफोन ओपन नहीं है तो ओपन कर की दीजिए, क्योंकि इमरजेंसी का कुछ पता नहीं चलता। तो अच्छा चलो, जिसका फाइंड माई आईफोन ऑन है तो उसको इस मदद के ज़रिए अपना आईफोन मिल सकता है या उसको लोकेट कर सकता है। तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा गूगल क्रोम में। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट सर्च करता हूँ फाइंड माई आईफोन। जैसे मैं एक सर्च करता हूँ तो मुझे फर्स्ट वेबसाइट दिखा रहा है फाइंड माई आईफोन एन आईक्लाउड डॉट कॉम। तो इसके लिए मुझे चाहिए अपना एपल आईडी जो उस मोबाइल में ओपन थी जो हमसे खो गया हो किधर। तो इधर मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ। साइन इन पे मैं जैसे आता हूँ ये मुझसे वही आईडी मांग रहा है जो उस आईफोन में थी। तो मैं उधर वही आईडी देता हूँ, सॉरी जैसे मैंने आईडी दी, अब मैं पासवर्ड देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने एंटर कर दिया तो ये मुझे बता रहा है कि हम आपके आईफोन की लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे मेरा आईफोन का लोकेशन ये ग्रीन कलर का बता रहा है। तो इसको मैं दूसरी मूड पे लेता हूँ, सैटेलाइट पे। सैटेलाइट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मेरे आईफोन का लोकेशन बता रहा है। पर यह हमें कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि हमारे आईडी दो तीन मोबाइल में भी ऑन हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये अल डिवाइस पे क्लिक करना चाहिए। अल डिवाइस पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मुझे बता रहा है कि आपके इतने इतने डिवाइस है, तो इसमें हम अपना जो डिवाइस है वो सेलेक्ट करके उसकी लोकेशन बता सकते हैं। तो इधर मैं आईफोन पे क्लिक करता हूँ तो आईफोन का लोकेशन मुझे बता रहा है कि आपका आईफोन इसी जगह पे पड़ा हुआ है या रखा हुआ है। तो इसके लिए मुझे तीन ऑप्शन दिखा रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे मुझे आ रहा है कि प्ले साउंड। प्ले साउंड का मतलब यह है कि मैं इस पे जैसे क्लिक करूँगा तो इसी आईफोन पे एक बिल जाएगा, वो बिल शुरू कर देगा। जैसा कि अब ये करेगा मैं आपको दिखा, ये हो गया प्ले साउंड। अभी दूसरे का मतलब यह है कि लॉस्ट आईफोन, अगर हमसे आईफोन कहीं पे गिर गया हो या किसी ने चोरी किया हुआ हो, तो इस पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता रहा है कि आप अपना नंबर दे दें। आप अपना नंबर दे दो, जो भी इस आईफोन को उठाएगा या जिसको भी ये मिलेगा तो उस ये नंबर उसको डिस्प्ले पे शो करेगा तो आपके साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो इधर मैं जिस नंबर देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने कोई एक दे दिया तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो जिसके पास भी आईफोन पड़ा हुआ है तो उसको मेरा यही नंबर शो करेगा, तो उस मुझे उस नंबर की मदद से कॉन्टेक्ट कर पाएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर ये दोनों काम नहीं करते तो फिर इरेज आईफोन का मुझे एक ऑप्शन दिखा रहा है। इरेज आईफोन पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक ऑप्शन दिखा रहा है कि आपके आईफोन के जितने भी सेटिंग हैं या उसमें जितना भी डेटा है वो सब का सब डिलीट हो जाएगा अगर मैं इस पर क्लिक करूँ। तो मैं जैसे इरेज पर क्लिक करूँगा, अभी तो मैं हेयर नहीं करता, पर जैसे मैं इरेज पर क्लिक करूँगा तो जितना भी इस आईफोन में डेटा है जो हमसे खो गया है किधर, वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा जब भी वो वाईफाई या नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आईफोन भी मतलब जो डेटा है वो हमारा सिक्योर हो जाएगा, किसी के हाथों में नहीं जाएगा, और इसकी मदद से हम अपना आईफोन भी ढूंढ सकते हैं। तो बस यही था फाइंड माई आईफोन का बेनिफिट्स। इंशाल्लाह और वीडियो इसके रिलेटेड बनाऊंगा। तो दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।